हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर 8 फोर्स एंड प्रेशर उसके कीवर्ड्स समझेंगे। इस चैप्टर पर मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे, उसमें मैंने आपको हर चीज़ विस्तार में समझाई थी कि फोर्स क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, लिक्विड्स एंड गैसेस प्रेशर एग्जर्ट करते हैं वो हम कैसे जान पाते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। तो जो कीवर्ड्स हैं वो लगभग हमने सब उन वीडियोस में समझ लिए हैं। तो आज जब हम ये कीवर्ड समझेंगे तो हमारे पूरे चैप्टर का एक रिवीजन भी हो जाएगा। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उन्हें आप अवश्य देखें, तो आपको पूरा जो कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का वो क्लियर हो जाएगा। तो पहले हम आते हैं वर्ड पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये पहला वर्ड है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? सिंपल, जो हवा है हमारे चारों ओर एटमॉस्फेयर में, वो जो प्रेशर एग्जर्ट करती है उसे कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द एयर। हमारे धरती के चारों ओर करीबन 100 किलोमीटर तक जो लेयर्स हैं हवा की, वो हर चीज पर दबाव डालती हैं, उस दबाव को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये सबसे अधिक होता है सी लेवल पर, और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, हाइट पर जाएंगे, किसी पहाड़ पर या किसी बैलून में बैठ के, तो ऊपर प्रेशर कम होता जाएगा। तो डेफिनेशन क्या होगी? प्रेशर एग्जर्टेड बाय द एयर। दूसरे वर्ड पे आ जाते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स। जब हम किसी चीज़ पर फोर्स एग्जर्ट करते हैं तो हमें उसे टच करना पड़ता है। मान लीजिए ये बॉक्स है, इसको अगर मैं ऐसे दाब डाल रहा हूँ बिना टच किए हुए, या बोर्ड पर दाब डाल रहा हूँ बिना टच किए हुए, तो कोई इस पर फोर्स अप्लाई नहीं होगी। अगर फोर्स अप्लाई करनी है तो उसको टच करना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट होना चाहिए। जिस चीज़ पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और जो चीज़ फोर्स अप्लाई कर रही है उनमें कॉन्टैक्ट होना चाहिए, ठीक है। जैसे बाल को आपने किक मारनी है तो आपका पांव जो है बाल को टच करना चाहिए। और फोर्स कहाँ अप्लाई होती है? जिस पॉइंट पर हम टच करते हैं। मान लीजिए ये बॉल है, यहाँ पर वो पांव से हिट करता है तो यहाँ पर फोर्स अप्लाई होगी और ये जो चलने लग पड़ेगी किसी दिशा में। तो कॉन्टैक्ट होना चाहिए, जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और जिस पे फोर्स अप्लाई हो रही है इसमें कॉन्टैक्ट होना चाहिए, तो इसलिए कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। ये कौन सी फोर्स होती है? जैसे हमारी मस्कुलर फोर्स है, हम किसी चीज़ को उठाते हैं, पुश करते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, पुल करते हैं, सर पर कोई चीज़ उठाते हैं ऐसे रख के, तो कॉन्टैक्ट होगा। बैलगाड़ी में बैल को उससे बांधना पड़ता है गाड़ी के साथ। फुटबॉल को किक मारनी है तो पाउंड टच करेगा। क्रिकेटर ने बैट से बॉल को मारना है तो बैट और बॉल टच होने चाहिए। फिर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये क्या होता है कि जब दो बॉडीज हैं, एक चार्ज्ड है, ये जब बड़ी क्लास में आप जाएंगे तो आपको समझ आएगा कि चार्ज का मतलब क्या होता है। बेसिकली क्या होता है, जब हम इसको चार्ज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, और जब इसके पास में कोई दूसरी चार्ज बॉडी आएगी तो या तो इसको अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, और अनचार्ज बॉडी भी आएगी तो उसको अट्रैक्ट करेगा। तो ये होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो एक चार्ज बॉडी दूसरी चार्ज या अनचार्ज बॉडी पे फोर्स एग्जर्ट करती है। तो क्या कहेंगे? फोर्स एग्जर्टेड बाय ए चार्ज्ड बॉडी। चार्ज बॉडी का मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कर देते हैं आप, बॉडी से कंफ्यूज हो जाएंगे। ऑन एन अदर चार्ज्ड
आर अनचार्ज्ड, दूसरी में चार्ज हो या ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑब्जेक्ट एक चार्ज्ड होगी, दूसरी चार्ज्ड हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो वो जो फोर्स एग्जर्ट करती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चार्ज कैसे होता है ये बड़ी क्लासेस में आपको बताएंगे। बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, उसको चार्ज करने का तरीका होता है, जैसे सिंपल किसी प्लास्टिक की चीज़ को बालों में रगड़ेंगे तो उसमें थोड़ा सा चार्ज आ जाएगा। फोर्स, फोर्स क्या होता है, बेसिकली कोई पुश या पुल, या तो हम चीज़ को पुश करते हैं या पुल करते हैं, और उससे क्या परिणाम होता है, जो चीज़ रुकी हुई है वो चलने लग पड़ती है, जो चल रही है उसकी गति बढ़ जाती है, उसकी दिशा बदल सकती है, उसका शेप बदल सकता है, साइज बदल सकता है, ये सब प्रभाव होते हैं जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं। फोर्स क्या है, बेसिकली पुश या पुल। फिर आ जाता है फ्रिक्शन। जब भी कोई चीज एक ऑब्जेक्ट पे चले, किसी सरफेस पे चले, तो एक अपोजिंग फोर्स वहां पर इमर्ज होती है जो उसको रोकती है। तो मान लीजिए ये टेबल पर एक बॉल रखा है हमने, इसको हम हल्का सा यहां से पुश करते हैं, जैसे ये चलने लगेगी तो एक अपोजिंग फोर्स पैदा होगी यहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, वो उसको रोकने की कोशिश करेगी। तो फ्रिक्शन क्या है, अपोजिंग फोर्स एग्जर्टेड बाय द सरफेस ऑन ए मूविंग ऑब्जेक्ट। ये सरफेस इस पे फोर्स एग्जर्ट लगाती है, ये सरफेस इस पर ये बल लगाती है, और ये अपोजिंग होता है हमेशा। अगर ऑब्जेक्ट इस साइड जा रहा है तो ये फोर्स इस साइड जाएगी, इसी के कारण चीजें धीरे धीरे रुक जाती हैं। आप बाल को धक्का मारिए धीरे से जमीन पे, वो कुछ देर चलेगी फिर रुक जाएगी। क्यों रुकेगी, बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो सरफेस एग्जर्ट कर रही है, जिस सरफेस पे चल रहा है, जमीन है तो जमीन एग्जर्ट कर रही है, टेबल है तो टेबल एग्जर्ट कर रहा है, उसको अपोजिंग फोर्स है, विपरीत दिशा में ये जाती है, इसकी दिशा इधर होगी, इसकी दिशा इधर होगी। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स बेसिकली हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को पर एग्जर्ट करता है। जैसे चांद और धरती है, धरती चांद को अपनी तरफ खींचता है, खींचती है, और चांद धरती को अपनी तरफ खींचता है, और धरती पर जो चीज़ें हम छोड़ दें ऐसे वो नीचे गिरेंगी। क्यों नीचे गिरेंगी, धरती की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको अपनी तरफ खींचती है। तो यही इसी का दूसरा वर्ड है ग्रेविटी। तो ग्रेविटी अर्थ की वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है जो चीजों को अपनी तरफ खींचती है। ग्रेविटी के कारण ये फोर्स एग्जर्ट होती है, ये फोर्स अप्लाई होती है चीजों के ऊपर। आप किसी भी चीज को छोड़ दो धरती पे गिरेगी, क्यों गिरेगी, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, अर्थ के अंदर जो ग्रेविटी की शक्ति है उस शक्ति के कारण ये फोर्स उस पर लगती है, ये बल उस पर लगता है और वो चीज नीचे गिर जाती है। फिर मैग्नेटिक फोर्स, ये भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। नॉन कॉन्टैक्ट है मतलब दोनों में कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी नॉन कॉन्टैक्ट है। अगर चार्ज बॉडी यहाँ पर है, दूसरी यहाँ पर है, तो ये इस पर ऑब्जेक्ट पे फोर्स एग्जर्ट करेगी, या तो उसको, अगर ये चार्ज है इसको अट्रैक्ट करेगी या रिपेल करेगी, अनचार्ज है तो अट्रैक्ट करेगी। ऐसे ही मैग्नेट का है, मैग्नेट है वो जैसे ये आयरन की फाइलिंग्स हैं, छोटे छोटे पीसेज हैं आयरन के, इनको खींचेगा अपनी तरफ, कोई कॉन्टैक्ट नहीं है पर अपनी तरफ खींच लेगा, क्योंकि इसके अंदर मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फोर्स होती है। उस मैग्नेटिक फोर्स के कारण ये दूसरे मैग्नेट को या तो अट्रैक्ट करेगा, अगर दो मैग्नेट हैं
ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, इसका भी ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ये इसको ट्रैक करेंगे एक दूसरे को, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, और अगर ये रिवर्स हो जाए, यहाँ पे साउथ पोल आ जाए और यहाँ पे नॉर्थ पोल आ जाए, तो ये दोनों को रिपेल करेंगे, ये उसको धकेला मारेगा, ये इसको धकेला मारेगा, पुश करेगा। पहले मैं पुल कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था, तो ये मैग्नेट की जो फोर्स होती है उसको कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। मस्कुलर फोर्स, जो हमारे मसल्स में फोर्स होती है, जिसके कारण हम सब काम करते हैं, किसी चीज़ को उठाते हैं या पुश करते हैं या पुल करते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं हम फोर्स लगाते हैं, दरवाजे को पुश करते हैं फोर्स लगाते हैं, फुटबॉल वाला फुटबॉलर उसको किक मारता है फोर्स लगाता है, भरी हुई बाल्टी पानी के हम उठाते हैं फोर्स लगाते हैं, वो हमारे मसल्स से फोर्स निकलती है, तो मस्कुलर फोर्स हो गई। पशुओं का भी मस्कुलर फोर्स होगा, जैसे घोड़ा अगर घोड़ा गाड़ी को खींच रहा है या बैल बैल गाड़ी को खींच रहा है, वो भी अपने मस्कुलर फोर्स लगा रहा है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इसमें कॉन्टैक्ट जरूरी नहीं है, जैसे मैग्नेटिक फोर्स, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है नहीं? अब मान लीजिए ये ढक्कन, ये इसको मैं छोड़ता हूँ, ये नीचे गिर रहा है, ये धरती के कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन धरती ने अपनी ग्रेविटेशनल फोर्सेस को नीचे खींच लिया, बिना कांटेक्ट के फोर्स उस पर लगी और नीचे धरती पे चला गया, बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज ए नॉन कांटेक्ट फोर्स। इसमें कांटेक्ट की जरूरत नहीं है, मस्कुलर फोर्स है तो कांटेक्ट होना चाहिए। प्रेशर, प्रेशर का मतलब है कि कितनी फोर्स हम लगा रहे हैं पर यूनिट एरिया। तो अगर मान लीजिए ये एक बॉक्स है, इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पर मान लीजिए हम 10 यूनिट्स फोर्स लगा रहे हैं, और इस बॉक्स का जो इस साइड का जो एरिया है जिस पर ये फोर्स लग रही है उसका मान लो एरिया 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1 यूनिट पर स्क्वायर सेंटीमीटर, ये प्रेशर है। और प्रेशर में जैसे मैंने आपको उस वीडियो में समझाया था, पिछले वीडियो में समझाया था कि अगर फोर्स सेम रहती है, ना घटती है ना बढ़ती है, एरिया ज़्यादा हो जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। फिर है पुल, पुल का मतलब खींचना, एक फोर्स है चीज़ों को अपनी तरफ खींचना, उसका दूसरा क्या होता है पुश, धकेलना, जैसे फुटबॉल को हम धकेलते हैं पांव से, पुश करते हैं, सारी पुश करते हैं, और दरवाजा को कई बार खींचना पड़ता है, बाल्टी नीचे पड़ी है उसको ऊपर पुल करना पड़ता है, पुल का मतलब खींचना, पुश का मतलब धकेलना। तो ये सभी आपके जो वर्ड्स हैं इस चैप्टर के कंप्लीट हो गए, ये पूरा चैप्टर का आपका कंप्लीट हो गया, तो इसे आप अच्छे से समझ लें। अगर किसी पॉइंट में आपको दिक्कत आती है तो मैं आपको समझा सकता हूँ वो पॉइंट दोबारा, आप कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को बताइए, तो उसके बाद हम अगले वीडियो में इसका नेक्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर 9 फ्रिक्शन, वो शुरू करेंगे। तो इस मेरे वीडियो को आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।